चुनावी जनसभा को संबोधित करने मुरादाबाद पहुंचे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस मजाक बनाते थे, वे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए क्योंकि इनको अपने वोट बैंक की चिंता थी। कांग्रेस वाले धारा 370 को अपनी गोद में खिलाते रहे। आज कश्मीर में शान से तिरंगा लहरा रहा है। मोदी ने देश से आतंकवाद व नक्सलवाद खत्म कर दिया है। कांग्रेस के समय बम धमाका होता था। मैं इस पीतल नगरी में राम गंगा और प्राचीन सिद्धपीठ काली माता को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। देखो, मोदी जी ने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाया। अब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, मोदी गारंटी है कि इस बार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी बना दी। कभी हमारा मजाक उड़ाते थे ये राहुल बाबा के मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, उड़ाते थे ना मजाक। मैंने बहुत मजाक सुन किया है 14 से 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। भाई और बहनों, 500 साल के बाद रामलला टेंट की जगह अपने बड़े मंदिर के अंदर अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। इस रामनवमी को रामलला का जन्मदिन अयोध्या के मंदिर में मनेगा। भाइयों, वो जातियों में उत्तर प्रदेश को फिर से बांटेंगे, उत्तर प्रदेश को जातियों में टुकड़ा टुकड़ा करने का काम करेंगे। भाई और बहनों, मोदी जी अकेले हैं जो देश को एक रख सके। मोदी जी ने 4 जातियों में पूरे देश को बांटा है, महिला, युवा, किसान और गरीब, 4 ही जातियों में पूरे देश को बांटकर सबका विकास करने का काम किया। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।